मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर एक बार आपको हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही जो भाग्यशाली हैं, जो सैनिक स्कूल बीजापुर में आपका दाखिला हुआ है। और देखिए, वायरस के वजह से, कोविड-19 वायरस के वजह से आपका स्कूल आना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ फिर भी हम जो पढ़ाने का सिलसिला है, इसे रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए हम जो है पढ़ाई का आरंभ किया है, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो है हिंदी की जो नींव होती है व्याकरण भाग में, यदि आप व्याकरण से प्रबुद्ध होंगे तो आपको पढ़ना, लिखना, बोलना, यह सब जो प्रक्रिया है यह आसान हो। इसीलिए हम वर्णमाला का अध्ययन किया। 12 कड़ी के अंतर्गत क वर्ग का अध्ययन किया, च वर्ग का अध्ययन किया, ट वर्ग का अध्ययन किया, उसके साथ साथ त वर्ग का भी अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ, मैं जब उच्चारण करता हूं आप भी उच्चारण करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। और इसके साथ साथ आपका भी दायित्व है कि जो भी मैं गृह कार्य दिया गया हूं उसे आप लिखना मत भूलिए। लिखने से आपको, पढ़ने से भी, जो लिखने का, जो लिखकर जो उच्चारित करना, इससे आपको बहुकालिक जो दिमाग में यह अक्षर, जो वर्ण है, यह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो मैं आपका हिंदी अध्यापक, आज हम फिर से 12 कड़ी इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आज प वर्ग का हम अध्ययन करने वाले हैं। प वर्ग में वर्ण है प, फ, ब, भ, म। देखिए, यहाँ भ और म में यही अंतर है, इसीलिए मैं लाइन जो है शिरोरेखा की बात मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी यही अक्षर को आप ऐसे शिरोरेखा या लाइन ऐसे खींचेंगे तो वह म बन जाएगा। यदि आप ऐसे लिखते समय यहाँ इतना ही रोक देंगे तो यह भ बन जाएगा। उसी प्रकार व और भ में भी वही अंतर है, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम प वर्ग का अध्ययन करने वाले हैं। तो प की 12 कड़ी इस प्रकार है। अ की मात्रा प, आ की मात्रा पा। देखिए, मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण कीजिए, भले ही मैं आपको दिख रहा हूं लेकिन आपका चेहरा मैंने नहीं देखा है। आप सभी, मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ आप उच्चारण करें और हिंदी को, राष्ट्रभाषा है, उसे और आप ऊंचाई तक लेकर जाए, ऐसे मेरी एक छोटी सी प्रयास है, उसमें आपका भी दायित्व बहुत बड़ा है। आ की मात्रा पा, ई की मात्रा पी, छोटी ई की मात्रा पी, बड़ी ई की मात्रा पी, छोटी ऊ की मात्रा पू, बड़ी ऊ की मात्रा पू, बड़ी ऊ की मात्रा पू, री की मात्रा प्रू, प्री, ए की मात्रा पे। आप देखिए अक्षर का गठन किस प्रकार है, यहाँ पर ऐसे लिखकर जो है रेखा खींचकर ऊपर ऐसे ए की मात्रा देना है, ये बन जाता है पे। ऐ की मात्रा पाई, जो पैसा वगैरह आप लिखते हैं ना, जो पाई, इस प्रकार जो है अक्षर का आकार है। ओ की मात्रा पो,
औ की मात्रा पऊ, अम की मात्रा पम, आह की मात्रा पहा। इस प्रकार जो है प वर्ग में प वर्ण का बारहकड़ी जो इस प्रकार है। एक बार मैं मात्रा बिना इसे पढ़ूंगा, प पा, पी पी, पू पू, प्री पे पई, पो पऊ, पम पहा। जो इस प्रकार जो है आपको वर्णमाला बारह कड़ी के अंतर्गत प वर्ण का बारह कड़ी इस प्रकार है। आप इसे एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अक्षरों को सही जो है आप चित्र के मुखांतर इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको सुंदर अक्षर जो आपके लिखावट जो है बन सके। तो प वर्ग में हमने प वर्ण का बारह कड़ी देखा। अगला वर्ण है, देखिए, अल्प प्राण प था भी महाप्राण फ, जिसे फल आप कहते हैं ना, तो फ ऐसे लिखते हैं। इसकी बारह कड़ी अब हम देखेंगे। अ की मात्रा फ, आ की मात्रा फा, छोटी ई की मात्रा फी, बड़ी ई की मात्रा फी, छोटी ऊ की मात्रा फू, बड़ी ऊ की मात्रा फू, री की मात्रा फ्री, ए की मात्रा फे, ऐ की मात्रा फई, ओ की मात्रा फो, औ की मात्रा फऊ, अम की मात्रा फम, आह की मात्रा भा। जो इस प्रकार उच्चारित करना है मेरे साथ एक बार आप भी करिए। फ फा, फी फी, फू फू, फ्री फे, फई फो, फऊ, फम पहा। इस प्रकार जो है फ का बारह कड़ी है। आप इसे थोड़ा बहुत अपने नोटबुक में एक बार इसे पूरा जो बारह कड़ी है फ की वर्ण की उसे आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमने त वर्ग प वर्ग के अंतर्गत प अल्प प्राण और महाप्राण फ की बारह कड़ी देखी। अब हम अगला वर्ण है ब। जो ब इस प्रकार लिखते हैं, ये एक अल्प प्राण है। उच्चारित करते समय श्वास वायु कम भरना पड़ता है। ब ब की हम बारह कड़ी अभी देखेंगे। अ की मात्रा ब, आ की मात्रा बा, ई छोटी ई की मात्रा बी, बड़ी ई की मात्रा बी, छोटी ऊ की मात्रा बू, बड़े ऊ की मात्रा बू, री की मात्रा ब्री और ए की मात्रा बे, ऐ की मात्रा बई, ओ की मात्रा बो, औ की मात्रा बऊ, अम की मात्रा बम, आहा की मात्रा बहा। तो देखिए एक बार फिर से उच्चारित करेंगे। ब भा, बी बी, बू बू, ब्री बे बई, बो बऊ, बम बहा। इस प्रकार जो है आप सही उच्चारण करते करते इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको उच्चारित करने और लिखने भी सही जानकारी हासिल हो। तो इस प्रकार हमने प फ ब जो अल्प प्राण इसका उच्चारण और बारह कड़ी देखा। अब हम इसका इसी वर्ण का महाप्राण जो है किस प्रकार है, देखिए यहाँ पर ये है भ। जो श्वास वायु ज्यादा भरती है उच्चारण करते समय, यह है ब भ महाप्राण। तो भ की बारह कड़ी देखेंगे। अ की मात्रा भ, आ की मात्रा भा,
छोटी ई की मात्रा भी, बड़ी ई की मात्रा भी, छोटी ऊ की मात्रा भू, बड़ी ऊ की मात्रा भू, री की मात्रा भ्री, ए की मात्रा भे, ऐ की मात्रा भई, ओ की मात्रा भो, औ की मात्रा भौ, अम की मात्रा भम, आहा की मात्रा बहा। इस प्रकार जो है यह हमने मात्रा सही देखा। अब हम ऐसे ही जो है उच्चारण करेंगे, आप भी मेरे साथ उच्चारण करें। भ भा, भी भू भू, भ्रु भे भई, भो भौ, भम बहा। इस प्रकार प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ। अगला वर्ण है उसका हम 12 कड़ी देखेंगे, जो इस प्रकार है। तो भ वर्ण के बाद अगला वर्ण है म, इसका हम 12 कड़ी देखेंगे। देखिए यहां पर ब और म वर्ण के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि शिरोरेखा यानी लाइन जो है पूरा खींचेंगे तो वह म की तरह लगेगा, वही आप उसे यहाँ तक ही रोक देंगे तो वह वहाँ पर ऐसे भ बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम भ की जो वह 12 कड़ी है उसका अध्ययन करेंगे उच्चारण सहित। आप भी मेरे साथ उच्चारण करिए। अ की मात्रा म, आ की मात्रा मा, छोटी ई की मात्रा मी, बड़ी ई की मात्रा मी, छोटी ऊ की मात्रा मू, बड़ी ऊ की मात्रा मू, री की मात्रा मृ, ए की मात्रा मे, ऐ की मात्रा मैं, ओ की मात्रा मो, औ की मात्रा मम मऊ, और अम की मात्रा मम, आह की मात्रा महा। इस प्रकार जो है म की 12 कड़ी है, और इसे एक बार ऐसे ही उच्चारण करता हूं, आप भी मेरे साथ कीजिए। म मा, मी मी, मु मु, मृ मे, मई मो, मऊ मम महा। इस प्रकार जो है हमने व्यंजन के अंतर्गत 12 कड़ी का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने वर्गीय व्यंजन जैसे क वर्ग ख ख ग घ ञ, और च वर्ग छ छ झ झ ञ, उसी प्रकार ट वर्ग है ठ ढ ढ न, उसका हमने विस्तृत 12 कड़ी देखा वर्णों का। उसके साथ ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग, त थ ड ध न, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ त वर्ग के बाद आता है प वर्ग, प वर्ग में वर्ण है प फ भ भ म, यह सभी वर्गीय व्यंजन है। अभी अवर्गीय व्यंजनों का 12 कड़ी है, उसे हम अगले वीडियो में उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो य र ल व हैं क्ष त्र ज्ञ तक हैं, उसका हम 12 कड़ी अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो वर्गीय व्यंजन है क से लेकर प वर्ग तक, इसका आपने जो है अपने नोटबुक में लिख कर लीजिए। आज का जो गृह कार्य है, जो प वर्ग से जितने भी वर्ण हैं उनका 4 बार आप 12 कड़ी लिख कर रखना है अपने नोटबुक में। इस तरह आज हमने वर्गीय व्यंजनों का 12 कड़ी देखा। तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम अवर्गीय व्यंजनों का 12 कड़ी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।